मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज 14 मई 2020 को मैं अपने 71 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। आज मेरा 71वां जन्म दिवस है और इसी अवसर पर आपके संपूर्ण परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा, प्रोटीन युक्त एनर्जी ड्रिंक। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष सभी इसका प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा आज मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे प्रोटीन युक्त नुस्खे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यह अद्भुत नुस्खा है जो आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ करने वाला है। और यदि गर्भवती स्त्री इसको लेती है तो ये आप मानकर चलिए कि उसको स्वस्थ एवं बुद्धिमान बच्चे का जन्म होगा। तो लीजिए, आज मैं ये नुस्खा आपको देने जा रहा हूं। आपने बाजार में देखे होंगे अनेक प्रोटीन युक्त खाद्य पाउडर, बोर्नविटा, प्रोटीन एक्स, हॉर्लिक्स, एंश्योर, पीडियाश्योर, इस प्रकार के अनेक पाउडर आते हैं, बहुत महंगे भी हैं। परंतु आप उससे भी बेहतर एनर्जी ड्रिंक प्रोटीन युक्त घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपको बहुत कम कीमत में ये प्राप्त हो जाएगा। तो लीजिए, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताता हूं। आप एक पेपर और एक पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। आपको लेना है सोयाबीन का बीज 100 ग्राम और बादाम की गिरी 100 ग्राम। इन दोनों को 24 घंटे के लिए अलग अलग बर्तन में पानी में भिगोकर रख दीजिए और अगले दिन इनका दोनों का छिलका उतारना है। सोयाबीन को मसल मसल के आप छिलका उतार देंगे, उसका छिलका पानी के ऊपर तैर जाता है। महिलाएं इस काम को बहुत अच्छी तरह कर लेती हैं। सोयाबीन का छिलका उतार दीजिए, इसी प्रकार से आपको बादाम का भी छिलका उतारना है। देखिए, बादाम का छिलका उतारने के पश्चात इसकी तासीर बदल जाती है। छिलका उतारने से पहले बादाम गर्म रहता है और उसके पश्चात उसकी तासीर एकदम बदल जाती है और उसको प्रत्येक मौसम में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। तो दोनों का छिलका उतार दीजिए और इनको आप या तो धूप में सुखा लें या छाया में सुखा लें और या थोड़ा सा इसका पानी सुखा कर करिए, इसको किसी बर्तन में डाल करके गर्म हीट पर रखकर इसको रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन रोस्ट करते समय किसी भी पदार्थ में काला निशान नहीं आना चाहिए, यह ध्यान रखना है। तो इन दोनों को रोस्ट कर सकते हैं आप या सुखा सकते हैं। इसके पश्चात आपको लेना है 50 ग्राम मूंगफली दाना, इसको भी हल्का सा रोस्ट करके इसका छिलका उतार दीजिए। और फिर लेना है आपको धुली उड़द की दाल, बिना छिलके वाली उड़द की दाल, यह भी 50 ग्राम आपको लेनी है और मूंगफली का बीज भी 50 ग्राम लेना है। तो उड़द की जो दाल है उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। और 50 ग्राम लेना है मगज, जो खरबूजे का बीज होता है, इसके स्थान पर आप कद्दू का बीज, पेठे का बीज भी ले सकते हैं। इसमें अनेक तत्व होते हैं, अनेक पोषक तत्व इनमें होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और आपको लेना है अनारदाना सूखा 25 ग्राम। देखिए, अनारदाना बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव्य है, इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत ताकतवर होता है और स्वाद को बढ़ाने वाला होता है। तो अनारदाना सूखा 25 ग्राम आपको लेना है और इलायची दाना, छोटी इलायची का दाना 5 से 7 ग्राम, इसको भी ले लीजिए। और ब्राह्मी का चूर्ण, देखिए ब्राह्मी जड़ी बूटी है, आप सभी जानते हैं, ये दिमाग को ताकत देने वाली होती है, बच्चों की याददाश्त बढ़ाती है, मानसिक ताकत बढ़ाती है। इसका 25 ग्राम चूर्ण और हरिद्वार वाली बड़े पत्ते की ब्राह्मी आपको लेना चाहिए और शंख पुष्पी 25 ग्राम, इसका भी चूर्ण।
यदि मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो साबुत भी मिल जाएगा तो आप इसका चूर्ण बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन सबको आप मिक्सी में पीसकर अच्छी तरह से पाउडर बना लें, और जो छलनी होती है मैदा छानने वाली, उसमें से छान करके इसको तैयार कर दें। अब इसमें आपको मिलाना है मिल्क पाउडर 200 ग्राम। ये सारे द्रव्यों का चूर्ण बना करके बारीक उसमें 200 ग्राम मिल्क पाउडर मिला दीजिए, तो आप समझ लीजिए आपका एक बेहतरीन स्वादिष्ट और ताकतवर प्रोटीन युक्त एनर्जी ड्रिंक तैयार हो गया है। अब इसको लेना कैसे है? आयु अनुसार 10 ग्राम से 20 ग्राम की मात्रा या तो दूध में घोल करके सुबह शाम खाना खाने से एक घंटा पहले पी जाया करें, या गर्म पानी में घोलकर भी इसको आप पी सकते हैं। प्रोटीन युक्त है, कैल्शियम युक्त है और आयरन युक्त है, और जो बच्चे जिम जाने वाले होते हैं उनको तो ये ड्रिंक बहुत ही लाभदायक है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। कोई अधिक महंगा नहीं है, बनाना बहुत कठिन नहीं है। इसको आप बनाकर रखें घर में और सब प्रयोग करें। इसमें 120 से 130 कैलोरी तक हमें मिलती है, शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति इससे मिलती है। बहुत बेहतरीन नुस्खा मैंने आज आपको दिया है। आप याद करेंगे कि कोई नुस्खा आपको मिला था, ऐसे नुस्खे तो आपने अनेक देखे होंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं, अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही मूल्यवान नुस्खे आपको मिलते रहेंगे। और अंत में एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि कमेंट में अपना फोन नंबर मोबाइल नंबर बिल्कुल ना डाला करें, उस कमेंट का हम जवाब नहीं देते, क्योंकि उससे कोई अन्य व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।